अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल 47। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त बीबल 47। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसको डेमो आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया जी। कुछ इस तरह का नेम आर्ट जो 2021 न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर का नेम आर्ट है वो बनाना सीखेंगे हम अपनी वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अपने वीडियो की तरफ जाने से पहले, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें दो तीन चार चीज़ों की ज़रूरत है, वो उनका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो इसमें मैं कलर्स वगैरह यूज़ करूँगा और जो एप्लीकेशन मैंने यूज़ किए हैं इसमें, उस सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने जाके उधर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है जी पिक्सल लैब। ठीक है जी, पिक्सल लैब में हम इसमें अपना जो नाम है वो बनाएंगे, 3D नाम बनाएंगे। ठीक है जी, तो आपके पास ये पिक्सल लैब ओपन करेंगे, इस तरह का आ जाएगा मोनोग्राम। ठीक है जी, तो इसमें मैं अभी एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, जो भी अपना नाम, अपने चैनल का नाम मैंने तो लिखा हुआ था आपने इस वीडियो की जो डेमो देखा उसमें। तो सबसे पहले मैं इधर अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ जी। ठीक है जी, तो मैंने ये लिख लिया, इसको मैं इधर से कर लूँगा ओके। उसके पास इसको मैं इधर सेंटर करूँगी, तो आपने ये इधर आपके पास ए का बटन नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एक ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इधर से इसको कलर कोई भी और दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का देना हो तो। ठीक है, मैंने इधर वाइट कलर ही रखा हुआ है, वाइट कलर बेटर है क्योंकि आपका जो कैनवास में जब बनाएंगे तो आपको बताऊंगा। उसके बाद इधर से बी से आपने इसको बोल्ड कर देना है ज़रा। इधर से आपने इसका जो फॉन्ट है वो कोई भी अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने ये वाला लगाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जो कर्व है वो कर दूँगा। ठीक है जी, जो मैंने कर्व किया हुआ था इसको 100% कर्व कर दें इसको। तो उसके बाद ये हमारा इतना जो है वो बन गया। ठीक है, उसके बाद इधर साइड पे क्लिक करके फिर एक प्लस वाले पे क्लिक करके एक और टेक्स्ट इसमें ऐड कर लूँगा जी। ठीक है जी, तो इधर मैंने जो लिखा था जी 2020 लिखा था इसके सेंटर में, 2021 मैंने लिख लिया जी। ठीक है, तो इसको मैं इधर से ऐड कर लूँगा इसमें। ठीक है जी, इधर मैंने इसके सेंटर में इसको रखना है। उसके बाद सेम ये ए पे क्लिक करने के बाद आपने इसका कलर जो है वो वाइट ही रखना है। उसके बाद इधर से बी से जाके इसको आपने बोल्ड कर देना है ज़रा, थोड़ा टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो फॉन्ट में जाके आपने यही फॉन्ट इसको दे देना है सेम। ठीक है जी, तो इसको बिल्कुल सेंटर में रख देना। ठीक है जी, तो उसके बाद सॉरी प्लस वाले पे जाके फिर आपने एक टेक्स्ट इसमें ऐड कर लेना है। हैप्पी न्यू ईयर का, ठीक है जी, जो सेम मैंने आपको अपने डेमो में दिखाया है। ठीक है जी, तो हैप्पी न्यू ईयर टेक्स्ट को पकड़ के मैं ले आऊँगा जी इधर। इसको टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करके इसके नीचे रखना है मैंने। ठीक है जी, सेम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लूँगा। उसके बाद सेम इसको भी इधर से जाके आप बी से जाके ज़रा बोल्ड कर देंगे तो अच्छी तरह नज़र आएगा क्लियरली। फॉन्ट भी सेम वही दे दें जो पहले आपने दिए हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया इधर तक। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या जी, इस इधर आपके पास ये लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसको लेयर बोलते हैं। ठीक है, लेयर में जाके इसका बैकग्राउंड जो है आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपके पास ये इधर सेव का बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, सेव के ऊपर आपने जाके सेव एज इमेज इसको कर लेना है, सेव टू गैलरी कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो इतना हमारा कम्प्लीट हो गया। उसके बाद हम अपने काम जी, तो कैनवास को ओपन करने के बाद आपने इसमें प्लस वाले आइकन पे जाना है। ठीक है जी, प्लस वाले आइकन पे जाने में 16 नाव का रेट हो जाना है आपने। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। ठीक है जी, बैकग्राउंड पे जाके ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड आपने ले लेना है। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा लें इधर से। उसके बाद इधर से आप इनसे ओके कर दें। उसके बाद आपने जाना है लेयर पर। ठीक है जी, लेयर में जाने के बाद आपको फाइल्स मिलेंगे जो आपने डाउनलोड कर लेने हैं, सब के सब अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। तो ये वाला फोटो हमने अभी सेव किया था, ये मैंने पहले ले लिया। ठीक है जी,
उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है सेम अपनी वीडियो के एंड तक रख लें, इस फोटो को भी, ठीक है जी, जो अभी मैंने नेम वाला लिया है। उसके बाद इसे ओके कर देंगे। फिर लेयर पे जाने के बाद, ठीक है जी, आपने मीडिया पे जाना है। मीडिया में जाने के बाद ये फाइल जो आपको कलर वाले मिलेंगे और कलरफुल फाइल मिलेंगे, दो आपने डाउनलोड कर लेना है जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन से। तो मैं फर्स्ट वाला ले लूँगा, एक ये वाला, ठीक है। इसको आप इधर से जूम नहीं करना, फुल स्क्रीन कर लें। थ्री डॉट पर जाके एक कलर पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद थ्री डॉट ऊपर नज़र आ रहे हैं ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। इसे ओके करने के बाद फिर आपने इसका जो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है, ठीक है जी, मैंने ये 15 सेकंड का बनाया था। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट करके लंबा करके और डुप्लीकेट करके डबल करके ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो के। तो इसका एक्स्ट्रा मैं अभी जैसे काट दूंगा, मैं अभी 14 सेकंड का बना के दिखाऊंगा आपको, सेम जो मैंने ऊपर आपको डेमो दिखाया, ठीक है जी। तो फिर आपने लेयर पर जाना है, ठीक है जी, मीडिया पर जाना है। एक और कलर वाला फोटो फाइल आपको मिलेगा, ये वाला आपने ले लेना है, ठीक है जी। इसको भी थ्री डॉट पे जाके फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने जो पहले कलर लिया था उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर देना है। तो ये मेरे वाला कैनवास डाउनलोड करेंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके पास। फिर आपने दूसरे कलर पे क्लिक करना है, फिर सेम ब्लेंडिंग पे जाना है आपने, ठीक है जी। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये थोड़ा ऑप्शन ध्यान से आपने करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद वीडियो जो हमारा वो रेडी हो चुका है, ठीक है जी। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये इसमें प्ले अच्छी तरह नहीं होगा क्योंकि मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ, थोड़ा स्पीड इसका कम है। तो जब इस वीडियो को आप सेव करेंगे तो अच्छी तरह ये बिल्कुल प्ले होगा, ठीक है जी। तो अभी इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ठीक है जी, इधर से एक्स्ट्रा पार्ट जो वीडियो का, इसमें ज़्यादा पार्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये इधर से आपने इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना कलर का, ये वाला जी, ठीक है, इधर से आपने इसको इसके ऊपर क्लिक करना है, कलर के ऊपर इसको ट्रिम कंजी पर जाकर ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा कट जाएगा। उसके बाद तो इसको इधर से आपने अगर इसमें कोई साउंड यूज़ करनी है, ठीक है जी, तो आप ऑडियो पे जाके कोई इसमें साउंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अपनी मर्ज़ी का गाना वगैरह जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैंने ये एक साउंड लगाया, ठीक है जी, मैं इसको आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ फिर से। तो लैपटॉप में मैं प्ले चला रहा हूँ ये, तो उसकी वजह से थोड़ा स्पीड इसका बराबर नहीं आ रहा है, तो प्ले नहीं हो रहा है। तो जब आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो ये फाइल आपको बिल्कुल अच्छी तरह प्ले होता हुआ नज़र आएगा। तो अभी इसका जो ऑडियो, इसको भी आपने ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले करके एक्स्ट्रा हिस्सा इसका काट देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने आपके पास ये तीर का नजर ऑप्शन नज़र आ रहा है, तीर वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेव करने के लिए। तो आपने इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल जो है आपके मोबाइल या पीसी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।